सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको एक और आयुर्वेदिक औषधि रैक्स शुद्ध शिलाजीत के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों यह जो शिलाजीत आप देख रहे हैं ये रैक्स कंपनी की तरफ से आने वाली शुद्ध शिलाजीत है और ये 100 ग्राम के पैकिंग में आती है। आगे इसके बारे में और सभी बातें जानेंगे, उससे पहले हम आपको कुछ बातें इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों ये जो रैक्स कंपनी होती है ये यूनानी कंपनी है और इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं। आप चाहें तो इसका ये पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनसे संपर्क करके किसी भी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं। ये इसका पूरा डिटेल्स लिखी हुई है। बात करें इसके रेट की तो अभी का जो इसका रेट है वो 100 ग्राम की पैकिंग के लिए 1325 रुपये है, जो समय के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आप इस तरह की किसी भी आयुर्वेदिक या यूनानी औषधि को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें शिलाजीत के गुणों की तो कुछ लोग इसको केवल सेक्स की दवा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शिलाजीत एक टॉनिक है जो हमारे शरीर के विकास के लिए भी काम करता है और हमारे शरीर की पूरी शारीरिक कमजोरी के लिए भी काम करता है। इसका इस्तेमाल जो है बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी कर सकता है, बस इसकी मात्रा का अंतर होगा। इसका इस्तेमाल जो है आपकी सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है और इसका जो विशेष इस्तेमाल है वो शुगर रोगियों के लिए और जिनको पेशाब संबंधित समस्या रहती है उनके लिए बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यह शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल उन रोगों में भी किया जाता है जो यौवन की समस्या से ग्रसित रहते हैं। यौवन के सभी प्रकार के जितने भी रोग होते हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते इसमें जो और योग इसका बनेगा, इसमें जो और औषधि ऐड होगी वो सब कुछ थोड़ा अलग अलग रहता है प्रकृति के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए। इसका इस्तेमाल आप अगर अकेले शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको 500 मिलीग्राम तक दूध के साथ इसको ले सकते हैं और ये आपको सुबह शाम आप खाना खाने से पहले लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको ये देगी। इसका इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में किया जाता है, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। जिन पुरुषों को या महिलाओं को जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या मांसपेशियों में भी दर्द रहता है, शरीर में थकान बनी रहती है, ऐसे सभी व्यक्ति इन शिलाजीत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 साल से ऊपर के सभी बच्चों को इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। वह बच्चों को इसका इस्तेमाल कराते समय डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि उनकी जो मात्रा होती है बहुत कम होती है और कुछ बच्चों को इससे जो है गर्मी हो सकती है। इसका इस्तेमाल आप रसायन की तरह भी कर सकते हैं, सभी प्रकार की जो कमजोरी होती है उसमें तो काम करेगा ही, साथ ही साथ आपके एक एंटी एजिंग की तरह ये भी ये काम करता है, यानी उम्र का जो प्रभाव होता है उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिलाजीत एक प्रसिद्ध औषधि है जो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मार्केट में इसका जो डुप्लीकेट होता है वो भी बहुत आसानी से मिलता है। असली शिलाजीत को पहचानने के लिए इसकी सुगंध को देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ करके जीभ पर रखेंगे इससे पहचान हो जाती है। कुछ लोग शिलाजीत की जगह एलवे को दे देते हैं शिलाजीत में ही। एलवा काम तो करता है आपके जोड़ों के दर्द में, लेकिन वो शिलाजीत नहीं होता। शिलाजीत के थोड़े अपने गुण होते हैं और एलवे के थोड़े अपने, दोनों ही दर्द में अच्छा काम करते हैं। और दिखाई अगर आप इसको दोनों को एक साथ रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों ही एक जैसे ही हैं। तो इस तरह से आप इसकी पहचान करके अच्छी और असली शिलाजीत अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे शारीरिक और मानसिक रोगों में ये लाभ करती है। इसका इस्तेमाल आप लगातार कर सकते हैं, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यह थी जानकारी शिलाजीत के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।